गर्मा गर्म पकौड़े हो या फिर चाय के साथ पराठे हो, रिफाइंड हर चीज में इस्तेमाल होता है। लेकिन 90 लोगों को तो यही नहीं पता कि रिफाइंड ऑल फिनेक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। आइए आज हम रिफाइंड को फिनेक्ट्री में बनने का सारा प्रोसेस देखते हैं और क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि कई लोग ये सोचते हैं कि इसमें सुअर की या गाय की चर्बी मिलाई जाती है। दरअसल दोस्तों, सुअर की चर्बी या फिर गाय की चर्बी का इस्तेमाल पहले घी बनाने के लिए किया जाता था और इस सब से बचने के लिए ही रिफाइंड को बनाया गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिफाइंड ऑयल आपके लिए अच्छा है। आपके शरीर के साथ ये क्या करेगा, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फिनेक्ट्री में रिफाइंड को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो ट्रक्स में भर के लाखों टन सोयाबीन लाया जाता है। फिनेक्ट्री में एक मशीन इसे साफ कर देती है। अब दोस्तों आएगा सॉर्टिंग प्रोसेसर। दरअसल इस मशीन में मैग्नेट्स और छोटे छोटे पत्थरों को डिटाइट करने के लिए सेंसर लगे होते हैं, जो कि सोयाबीन में से ये सभी चीजें अलग कर देते हैं। अब दोस्तों बगल में पड़ी क्रशिंग मशीन में इन सबको डाल दिया जाता है। क्रशिंग मशीन सोयाबीन को दो टुकड़ों में तोड़कर उसे उसके बीज से अलग कर देती है दोस्तों। अब यही सोयाबीन को एक बॉयलर में डालकर उबालने के लिए छोड़ दिया जाता है। सोयाबीन के उबलने से उसके बैक्टीरियाज भी साथ ही में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एक कन्वे बेल्ट से लिक्विड को गुजारा जाता है और ये पहुंच जाता है मैकेनिकल मशीन में, यहां पर दोस्तों जो खराब पानी होगा हो जाएगा और जो काम का होगा उसे दबा दबा कर प्रेसिंग मशीन से तेल निकाल लिया जाएगा। दोस्तों अभी हम इसे रिफाइंड ONL नहीं कह सकते। दरअसल इसे अभी हम गोल्ड प्रेस डॉयल कहेंगे, जो कि मार्केट में बहुत महंगा बिकता है। अब इसे रिफाइंड बनाने के लिए पहले तो 400 डिग्री के तापमान पर उबाला जाता है और फिर इसमें कई सारे एडिबल केमिकल डाले जाएंगे। दोस्तों ये केमिकल मिक्स करने के बाद फिर से इससे 600 डिग्री पर गर्म किया जाएगा और उसके बाद जो निकलेगा उसे हम रिफाइंड कहेंगे। अब दोस्तों इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि रिफाइंड डब्बों में पैक कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे 5-5 सेकेंड्स में ही एक पूरी बॉटल फिनेक्ट्री में भरी जा रही है। इसके बाद दोस्तों इसकी ब्रांडिंग वगैरह करी जाती है और ये स्लो पॉइजन मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। अब दोस्तों हमने इसे स्लो पॉइजन इसीलिए कहा क्योंकि जो केमिकल से रिफाइंड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वह शरीर को अंदर से ही धीरे धीरे कमजोर बनाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।